बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि द्वारा निर्मित कोरोनिल किट को भले ही हरियाणा सरकार द्वारा खरीद दिया गया हो, लेकिन अभी भी इस किट को कोरोना मरीजों के पास पहुंचने तक एक और परीक्षा से गुजरना होगा। बता दें कि हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा 1,00,000 कोरोनिल किट खरीदी गई है। बाबा रामदेव द्वारा हरियाणा सरकार को कोरोनिल किट 50% डिस्काउंट पर दी गई है, यानी 5 करोड़ की दवा लगभग 2.5 करोड़ रुपए की हरियाणा सरकार ने खरीदी है। मौजूदा समय में यह दवा बीते 2 हफ्तों से ड्रग वेयर हाउस में धूल फांक रही है, क्योंकि हरियाणा मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन दवाओं का दोबारा से परीक्षण करने जा रही है। सर, कोरोनिल जो किट है विभाग के द्वारा परचेज की गई थी, जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कोरोना के एक्टिव केस हैं उनको देने के लिए, और ये हरियाणा मेडिकल कॉर्पोरेशन के माध्यम से परचेज की गई है, जो कि जिसकी एक खेप जिसमें 4,000 किट हैं। 4,000 किट बाड़ा के जो वेयर हाउस है मेडिकल सप्लाई का, मेडिसिन का, उसमें सर ही पहुँच चुकी है। लगभग 2 हफ्ते पहले मेडिसिन आ चुकी थी, और जैसा कि हमें सर पता लगा है भाई, अभी इसकी कोई टेस्टिंग रिपोर्ट नहीं आई है, और HMSCL जो पंचकुला का जो इनका है वहाँ से भी कोई सैंक्शन या इनकी डायरेक्शन नहीं आई है सप्लाई करने की। तो जैसे वहाँ से डायरेक्शन आएगी हमें इसकी सप्लाई कर देंगे, और हमें सप्लाई होने के बाद उसके बाद फिर हम जो कोविड एक्टिव केसेस हैं उनको सप्लाई करेंगे। अम्बाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।